अलवर के महावर ऑडिटोरियम में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पोखरण परमाणु परीक्षण के 20वें वर्ष में मंगलवार को युवा शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पूरे जिले में शौर्य कलश यात्रा निकाली गई थी। अब 14 तारीख से विधानसभावार युवा शक्ति सम्मेलन किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री रोहिताश शर्मा थे और मुख्य वक्ता के रूप में युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी वरुण चौधरी रहे। अध्यक्षता पूर्व सैनिकों ने की। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। कार्यक्रम में वक्ताओं ने 20 वर्ष पूर्व हुए परमाणु परीक्षण के बारे में बताया कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण कर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाई। संयोजक पंडित जले सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को इस विषय पर जानकारी प्रदान करना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पोखरण परमाणु परीक्षण के 20वें वर्ष पर पहले तो शौर्य कलश यात्रा पूरे जिले में निकाली गई और अब विधानसभा वार युवा शक्ति सम्मेलन शुरू हो रहे हैं। यहाँ कार्यक्रम में मुख्य वक्ता हमारे राजस्थान के प्रभारी युवा मोर्चा के वरुण चौधरी रहेंगे और अध्यक्षता पूरी पार्टी ने पूरे राजस्थान में तय किया है कि पूर्व सैनिक हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसका कार्यक्रम का मकसद है कि युवाओं को पोखरण की मिट्टी से तिलक किया जा सके और अधिक से अधिक युवा देश सेवा का संकल्प लें, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, ऐसा हम संदेश लेकर युवाओं को दी जाएंगे।